दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आए हुए हैं कानपुर के एक प्रसिद्ध स्थल मोती झील पार्क में, जिसे कारगिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम आपको इस पार्क के उस जगह पर ले चलेंगे जहां कबाड़ से बना दिया गया है खूबसूरत जंगल, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी काफी आकर्षण उत्पन्न करता है। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं उस स्थल पर जहां कबाड़ से जुगाड़ का बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ टायर, कांच, लोहे की सामग्री और प्लास्टिक के प्रयोग से अनेक जंगली जानवरों को बनाया गया है, जिसमें शेर, हाथी, घोड़ा, हिरण, बंदर, चिंपैंजी आदि प्रमुख हैं। दोस्तों टायर एवं कांच के मिश्रण से बनाए गए इन जानवरों की कलाकृतियां लगभग 10 से 15 फीट ऊंची व लंबी हैं, जो यहां आए हुए बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों के लिए भी आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। यह यहाँ की खूबसूरती ही है कि लोग यहाँ रुककर न सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं बल्कि इसकी भूरि भूरि प्रशंसा भी करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि इस इको फ्रेंडली गार्डन के बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वह लोगों को पर्यावरण व प्रदूषण आदि तमाम बातों से वाकिफ कराना है। आज लोग खाने से लेकर रहन सहन में अधिकतर इको फ्रेंडली वस्तुओं का इस्तेमाल करें, इस पार्क का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि टायर, प्लास्टिक तथा अन्य प्रदूषित वस्तुओं से न सिर्फ प्रदूषण फैलता है बल्कि उनसे जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित होता है।